मैं सुबह जगते ही यहाँ पे मैंने अपना गेम ओपन किया, और जैसे गेम मैंने ओपन किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे देखने को मिला इंटरफेस, जिसमें हमें लाइट पास आलोक और यहाँ पे कस्टम कार्ड वगैरह देखने को मिल गए। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया भाई काफी कमाल का इवेंट। देख सकते हो ये वाला इवेंट, मतलब यहाँ पे 9 डायमंड के अंदर मुझे इलाइट पास देखने को मिल रहा है। बट मैंने जब बैक किया, कट किया और आईडी मैंने चेक किया तो भाई ये आईडी था इंडोनेशिया सर्वर का। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब क्या होना था, आगे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी और कुछ बोलने को लफ्ज ही नहीं बचे। मतलब कि ऐसा मैंने सोचा कि क्या ये इंडिया में आ गया, बट इंडिया में नहीं आया, ये चीज़ इंडोनेशिया में आ गया है और ये 1-2 दिन पहले ही आ गया है। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा उसी टाइम गुस्सा आ गया कि भाई देख सो तू यहाँ पे अभी इंडोनेशिया में ऐसे ऐसे इवेंट चल रहे हैं, काफ़ी खतरनाक खतरनाक इवेंट। और भाई आपको बताऊँ, यहाँ पे आलोक जो अपने इंडिया में रेयर बना हुआ है, क्रोनो जो रेयर बना हुआ है जिसपे बोलते हैं कि डिस्काउंट नहीं आएगा, आलोक छूट नहीं देता। मतलब आलोक बोलता है कि नहीं, हम अपनी तरफ से छूट नहीं देंगे, अपनी तरफ से डिस्काउंट नहीं देंगे, आप नहीं परचेज कर सकते। लोग जैसे बोला जाता है कि आलोक कैरेक्टर को डिस्काउंट पे दिलवा दो, या आलोक कैरेक्टर यहाँ पे डिस्काउंट पे आ जाए, 200 में भी मिल जाए, यहाँ पे 250 में मिल जाए तो यहाँ पे बंदे ले लेंगे। बट जैसे ये बात की जाती है तो यहाँ पे एक ही चीज समझाया जाता है सबको, यही एक ही चीज बताया जाता है कि यहाँ पे ये कोलैबोरेशन है और अगर आलोक माफ करता है तो आलोक मतलब दे पाएगा और यहाँ पे आपको मिल पाएगा। तो भाई ये चीज मतलब यहाँ पे आलोक चाहता है कि इंडिया में हम ना रहे, मतलब इंडिया में डिस्काउंट हमारा ना जाए और यहाँ पे जो बंदे हैं इंडिया में, हमारे बंदे, हमारे जो भी यहाँ पे ऑडियंस है वो ना ले पाए, बस यहाँ पे जो इंडोनेशिया के, ब्राजील के और बाहर के सर्वर्स के वहीं के बंदे यहाँ पे मुझे परचेज कर पाए डिस्काउंट पे। तो बस ये आलोक यहीं बोलता है भाई, तो ये समझ गए होंगे। अभी आज के इस वीडियो में बताने वाले कि आपको आलोक कैरेक्टर के साथ साथ कोरोनो कैरेक्टर, इलाइट पास सभी के सभी मात्र 9 डायमंड के अंदर आपको देखने को मिल जा रहा है और ये लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं, इसका पूरा का पूरा इसमें प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई इससे पता चल जाएगा कि आखिर जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर लग क्यों रहा है और इतना चल क्यों रहा है, तो इसके बारे में भी क्लियरली बताने वाले हैं। और बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि भाई बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे पहले से ये चीज कर रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे उनसे पहले से भी हम यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको पता होगा यहाँ पे लाइट पास डिस्काउंट इवेंट, आपको पता होगा इसके पहले भी 2-3 बार हमने इतनी ज्यादा आवाज उठाई थी, हम थे और भी बहुत सारे मेरे साथ अभी यूट्यूबर्स थे जो कि अभी शांत बैठे हुए हैं, मतलब हार गए थे हम उस टाइम, कोई भी हमारे साथ में नहीं आ रहा था, बट अभी ऑडियंस हमारे साथ है तो हम यहाँ पे भजाने वाले हैं। तो आपको बस सपोर्ट, जो यहाँ पे #justiceforindianserver का यहाँ पे सिलसिला है उसको जारी रखना है। बहुत सारे बंदे ये बोल रहे कि बाहर में जाइए, मतलब जो बंदे बोल रहे हैं भाई उनको रिप्लाई देना तुमको बनता है, मतलब आप लोग जानते हो ऑडियंस यहाँ पे पता है कि किसको क्या देना है, कौन कैसा कर रहा है, ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो आप कंफर्म पता कर सकते हो और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो आप आराम से समझो, मतलब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, बस आप लोग आराम से अपने मतलब समझ सकते हो अपने आप। तो भाई आज के इस वीडियो में क्लियरली डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाने वाले हैं। और जो बंदे यहाँ पे नहीं देखते हैं, जिनको लगता है कि हाँ इंडिया के साथ यहाँ पे फेयर चल रहा है, मतलब जो बाहर के सर्वर में आ रहे हैं वो इंडिया में भी आ रहे हैं और इंडिया से मतलब बाहर के सर्वर अलग नहीं है, तो वो अब पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में क्लियरली लास्ट तक बने रहना, और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी देरी के, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन की इंडोनेशिया सर्वर की आईडी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला देख सकते हो, यहाँ पे M1014 का काफी कमाल का गन स्किन जो कि यार इंक्यूबेटर वाला है। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। बात यही नहीं रुकती, मैंने आगे जब बड़ा इवेंट सेक्शन में मैं गया तो यहाँ पे मैंने देखा लाइट पास आलोक और यहाँ पे कस्टम कार्ड, वो भी डिस्काउंट पे भाई। यहाँ तक तो ठीक था, फिर मैंने यहाँ पे इवेंट को ओपन किया। इवेंट को जैसे मैंने ओपन किया तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया कि मतलब मैं हिल गया पूरा पूरा। यहाँ पे देख सकते हो लाइट पास मिल रहा है, वो भी 9 डायमंड के अंदर, बंडल मिल रहा है 9 डायमंड के अंदर, और यहाँ पे कस्टम कार्ड, क्रोनो कैरेक्टर, आलोक भी मिल रहा है। ये सभी देखने के बाद मेरे मन में एक ही चीज आया कि थारो भाई आज ऐसा वीडियो बनाएगा, ऐसा वीडियो बनाएगा कि तुमने सोची नहीं होगी। भाई अब आते हैं मुद्दे पे, तो यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे इंडोनेशिया सर्वर ओपन किया और यहाँ पे इवेंट सेक्शन में मैं गया तो वहाँ पे मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे नहीं आया होगा, बट यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया तो पर्सिया वेलर करके यहाँ पे नेम से इवेंट आया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली व्हील ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट व्हील इवेंट है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं 9 डायमंड के अंदर भी बहुत सारे आइटम, ढेरों सारे आइटम 9 डायमंड के अंदर, 1 डायमंड के अंदर भी मिलते हैं। तो ये वाला इवेंट यहाँ पे देख सकते हो इंडोनेशिया में आ गया फाइनली, और यहाँ पे आपको मतलब मैंने 9 डायमंड के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इलाइट पास तो मिल ही रहा है, लेकिन एक चीज जब मैंने यहाँ पे देखा कि क्रोनो भी यहाँ पे 9 डायमंड के अंदर मिल जाएगा भाई साहब, और एक और चीज यहाँ पे आलोक भी मिल रहा है, मतलब ये क्या चीज है, मतलब ये देख के मतलब दिमाग मेरा पूरा का पूरा खराब हो गया। और यहीं से मुझे लगा कि सच में यहाँ पे इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत ज्यादा अंतर है, और ये सच में यहाँ पे इंडोनेशिया, इंडिया को यहाँ पे जस्टिस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो जब बात की। और भाई यहाँ पे देख लो ये इमोट भी देख लो भाई, यहाँ पे ये इमोट मतलब इतना महंगा महंगा आता है इंडिया सर्वर, मतलब यहाँ पे 500-600 डायमंड, 1000 डायमंड टॉप अप करने पे, लोल वाला इमोट जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया के अंदर, बहुत सारे बंदे जब भी आते हैं यहीं बस मांगते हैं कि भाई लोल वाला इमोट दे दो,
वो चीज भी यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है। और भाई अगर बात करें अपने यहाँ की डिस्काउंट इवेंट की, भाई तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एक डिस्काउंट इवेंट आया था, मतलब उसमें स्पिन मारने पे हमें बस एक बंडल उसमें रेयर दिया गया था, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं आता जो कि हम परचेज कर पाए, हम ले पाए। बट यहाँ पे देख लो डिस्काउंट में हमें, मतलब 9 डायमंड के अंदर आपको इलाइट पास मिल रहा है, क्रोनो कैरेक्टर मिल रहा है, आलोक कैरेक्टर मिल रहा है, और यही नहीं बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये प्रूफ मैंने इसलिए आपको दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर क्यों चल रहा है। और यहाँ पे मैंने दिखाया तो यहाँ पे बहुत सारे बंदों की जलेगी भी, तो आपको इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट दिखाना है ताकि ऐसे और भी चीजें आपको दिखाते रहें। और अभी यही नहीं रुकता है, यहाँ पे सिलसिला भी आगे बढ़ते हैं और अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बताना बाकी है। तो इलाइट पास का मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आप में से मैक्सिमम बंदे यहाँ पे डिमांड करते हैं कि इलाइट पास डिस्काउंट पे क्यों नहीं आता इंडिया के अंदर, और इतना ज्यादा डिमांड करने पर भी यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर बनाते भी है कि आपको बताते भी है कि यहाँ पे इलाइट पास डिस्काउंटमेंट आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और आपको पता होगा कि इसके पहले हमने, मतलब 7-8 मंथ पहले या 1 साल पहले भी हमने यहाँ पे इस पर बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी कि हमें इलाइट पास डिस्काउंटमेंट देखने को मिलना चाहिए और ये मिल क्यों नहीं रहा है। और ये बात आप इस मैक्सिमम बंदों को पता होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स है, उनको पता होगा कि यहाँ पे मैं कितने समय से यहाँ पे इस सभी पे बोलता आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे सबको ही बोलता है, सबको ही बोलता है, बट यहाँ पे अपना नेम फेम यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे बंदे क्या क्या कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं करता कि ऐसा कुछ करूँ, लेकिन जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर है जो कि आपको हर जगह पे लगाना है, और यहाँ पे लगाने के साथ साथ यहाँ पे उन जगहों पे आप यहाँ पे इग्नोर करो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रीमर्स है, कुछ ऐसे यहाँ पे यूट्यूबर्स है जहाँ पे आप चैट में जाके वहाँ पे लगाते हो, मतलब मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे लगाने से कुछ होगा। और वो क्या बोलते हैं कि ये मतलब जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर बाहर में जाए और इससे मतलब कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको वहीं लगाना चाहिए जहाँ पे आपकी सुनवाई की जाए और जहाँ पे आपकी वैल्यू हो, मतलब जो आपकी वैल्यू नहीं करता उसकी वैल्यू आप खुद ही मत करो, मतलब क्या फायदा उनके स्ट्रीम पे जाने की और उन पे मतलब लिखने की जो तुम्हारी सुनवाई नहीं करेगा। भाई किसी भी चीज की भाव बढ़ जाती है तो ऐसा ही होता है, तो आप लोग भाव बढ़ा रहे हो उनकी, तो और भी ज्यादा आप भाव मत बढ़ाओ, मतलब उनके चैट में ये लिखो ही मत, उनसे ये मतलब ही नहीं रखो, ये समझो कि मतलब यहाँ पे जो आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं बस उनको सपोर्ट करो, वही आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लगा सकते हैं जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनमें लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जिनमें आपको मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पे समझ रहे कि जस्टिस फॉर जो इंडियन सर्वर चल रहा है वो बेकार है, बहुत घटिया है, तो ये आप समझो कि उन पे आपको वैल्यू ही नहीं देना है, उनके मतलब स्ट्रीम वगैरह या व्यूज जो भी यहाँ पे आप करते हो वो देखने जाना ही नहीं है, मतलब क्या फायदा उनसे, मतलब जिनको आपने बनाया वो आपके लिए कुछ नहीं सोच रहे। तो ऐसा आप लोग चाहेंगे तो हो सकता है, बाकी यहाँ पे मैं तो यहाँ पे छोटा सा यूट्यूबर हूँ और मेरे बोलने से कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोग अगर सपोर्ट दिखाते हो, शेयर करते हो वीडियो को, तो अभी आप बहुत कुछ हम कर सकते हैं। और ये चीज मैं अभी से नहीं, मैं बहुत दिन पहले से बोलते आ रहा हूँ, जब से इलाइट पास डिस्काउंटमेंट आना बंद हुआ तब से ही मैं बोलते आ रहा हूँ, तो बस यहाँ पे आपको सपोर्ट की करने की जरूरत है, सही बंदों को सपोर्ट करो, आपको कभी भी सही चीज मिलेगा। अब जैसे मैं पहले से ही मतलब पहले ही वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि आपको जो भी लगाना है यहाँ फ्री फायर के जो यहाँ पे ऑफिसर्स है वहाँ पे जाकर लगाना है, लाइक यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या जो इनके यूट्यूब है उन चैनल पे आपको जाकर लगाना है, जो भी यहाँ पे जस्टिस फॉर इंडियन सर्वर है जहाँ भी आपको यहाँ पे फ्री फायर के लाइव स्ट्रीम चलते हैं, लाइक यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हो, उन पे सुनवाई की जा सकती है, प्ले स्टोर है वहाँ पे भी आप यहाँ पे रेटिंग देके आप वहाँ पे लिख सकते हो, तो अब यहाँ पे ये जो चीज़ होगी बहुत लोगों के पास पहुंचेगी और जो सही आदमी है मतलब जो सच में यहाँ पे कुछ कर सकते हैं उनके पास पहुंचेंगी, तो वो यहाँ पे जरूर डेफिनेटली करेंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सुधार होगा अपने इंडिया सर्वर के अंदर। ऐसा नहीं कि मतलब फ्री में सब कुछ दे दो, यहाँ पे टॉप ऑफ एंड इंडोनेशिया में भी आता है, इंडोनेशिया सर्वर के अंदर भी आता है, ब्राजील में भी आता है, बहुत सारे सर्वर के अंदर भी आता है, बट अगर टॉप ऑफ की आप बात करें तो यहाँ पे टॉप ऑफ रिवॉर्ड मतलब 140 डायमंड के अंदर 150 के अंदर आपको ऐसे ऐसे रिवॉर्ड मिल जाएंगे, लाइक ग्लोबल स्किन, यहाँ पे कैरेक्टर वगैरह। और वहीं अगर बात करें तो इंडिया में होता है कि 1500, 2000, 1000 डायमंड टॉप करने पे भी आपको यहाँ पे कुछ खास चीजें नहीं मिलती है। अभी आया था मतलब 500 डायमंड टॉप अप करने पे आपको G18 का गन स्किन मिल रहा था, भाई मतलब सोच के मतलब मैं हैरान हो गया। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आप लोग ही सुधार सकते हो, तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।